हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। वेलकम टू जैशी टैरेट। अभी हम देखेंगे कि आपके पर्सन की आज की एनर्जीज़ कैसी रहने वाली हैं, कैसा जाएगा उनका दिन, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। आप लोग अपने अपने पर्सन को याद कर लें, उनका नाम मन में ले लें, ताकि एनर्जीज जो है वो कनेक्ट हो सकें आप लोगों से ज़्यादा। सो प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड, टेन ऑफ वॉन्ड, फाइव ऑफ पेंटिकल्स आए हैं। यहाँ पर मूव ऑन की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही, पेज ऑफ वॉन्ड भी आ गए हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं आज की जो एनर्जी है उनकी काफ़ी ज़्यादा बर्डन से भरी हुई नज़र आ रही, काफ़ी ज़्यादा टेंशन से भरी हुई दिखाई दे रही। किसी तरीके का यहाँ पर आपके पर्सन को लॉस होता हुआ दिखाई दे रही, या तो उनके हेल्थ इशू बिगड़ते हुए दिखाई दे रही। साथ ही साथ यहाँ पर कोई किसी तरीके की अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, या तो वो ये कोशिश कर रहे हैं आज के दिन दिखाई दे रहे हैं करते हुए कि जो बर्डन लदी है मेरे ऊपर ये कब ख़त्म होगी और मुझे कब इन टेंशनों से निजात मिलेगी। काफ़ी ज़्यादा मुझे लोड दिखाई दे रहा है आज के दिन उनके ऊपर, फाइनेंस का हो सकता है, ऑफिशियल जॉब हो सकती है, या कोई बर्डन या कोई सिचुएशन ऐसी जिसका वो काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं कि उसमें मुझे रिलीफ मिले। तो कहीं ना कहीं उसका काफ़ी बेसब्री से यहाँ पर मुझे इंतज़ार करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आपके पर्सन आज चाहते हैं कि ये ख़त्म हो जाए किसी तरीके से, ये जो टेंशन है ये मेरी ख़त्म हो, मुझे सक्सेस मिले, मुझे रिलीफ मिले, मुझे इस एनर्जी से मूव ऑन करना है, मुझे नहीं रहना है इस एनर्जी में। काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पर आपके पर्सन का माइंड जो है वो डिस्टर्ब होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के पर्सन काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकते हैं, उनको लॉस कुछ बड़ा हो सकता है, और या तो उनको किसी तरीके का रिजेक्शन मिल सकता है, उनको उनकी मान हानि हो सकती है, कोई उनको गलत शब्द बोल सकता है जिसके कारण जो है उनका जो दिल है काफ़ी ज़्यादा टूट सकता है, कोई अपयश उनको कोई मतलब अपशब्द बोल सकता है जिससे उनको बुरा लग सकता है, जिसके वजह से वो चाहते हैं कि बस ये सिचुएशन यहीं पर ख़त्म हो जाए, थम जाए, ये जो एक्स्ट्रा लोड है मेरे सर पर ये उतर जाए किसी तरीके से, मुझे इस एनर्जी से मूव ऑन करना है, मुझे नहीं रहना है इस एनर्जी में जहाँ पर इतनी घुटन है, इतनी तकलीफ है, इतनी प्रॉब्लम्स हैं। कहीं ना कहीं उन सिचुएशन से निकलने का बाहर रास्ता खोजते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये देखिए ट्रैप्ड हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड एट ऑफ स्वॉर्ड, मैंने कहा ना कि परेशान हो सकते हैं आज के दिन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपके पर्सन, तो कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन यहाँ पर हो सकती है जिसके वजह से यहाँ पर आपके पर्सन जो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकते हैं, ट्रैप्ड हो सकते हैं। ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि उन्हें समझ में ना आए कि उन्हें करना क्या है। मैं आगे बढ़ता हूँ तो मैं तकलीफ़ में जाता हूँ, पीछे जाता हूँ तो मैं तकलीफ़ में जाता हूँ, करूँ तो क्या करूँ, ये सिचुएशन यहाँ पर हो सकती है। आगे गए तो मरे, पीछे गए तो मरे, ये वाली सिचुएशन यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे एक बड़ा बड़ा लॉस या बड़ी टेंशन यहाँ पर आपके सर के आपके पर्सन के सर पर लदती हुई मुझे दिखाई दे रही है। एट ऑफ कप्स, अब मैं क्या कहूँ, सारे के सारे जो है आपके पर्सन को तकलीफ़ देने वाले कार्ड आ रही है। देखिए अनसेटिस्फाइड, मैंने पहले ही कहा कि मूव ऑन की ऊर्जा यहाँ पर दिखाई दे रही है, और यहाँ पर आपके पर्सन मूव ऑन करेंगे उस एनर्जी से, जिस एनर्जी से यहाँ पर जो एनर्जी उनको सर्व नहीं कर रही है, जिस एनर्जी से बहुत ज़्यादा परेशान है उससे मूव ऑन करने की एनर्जी दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं, उनको उनका मन घबराएगा, घबरा सकता है कि बस मुझे निकलना है। अनसेटिस्फाइड हो सकते हैं आज के दिन, बहुत ज़्यादा लॉस जा सकता है, बहुत ज़्यादा माइंड डिस्टर्ब हो सकता है, दुखी हो सकते हैं, रो सकते हैं, इमोशनली अंदर ही अंदर घुटन हो सकती है उनको। तो ओवरऑल उनका जो दिन है आज का थोड़ा हैवी है आपके पर्सन का। तो अगर आपकी बातचीत होती है तो आप ध्यान रखें इन बातों का कि उनको कोई ऐसा ट्रिगर या ऐसी कोई बात अपनी तरीके तरफ से ना बोलें जिससे आप बेवजह का झगड़ा मोल ले बैठें, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कम्युनिकेशन पर और अपने अदर चीज़ों पर, ठीक है। तो ये है आपकी पर्सन की कुछ करंट एनर्जीज़ आज की। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, ज़रूरी नहीं हर बात हर किसी से रेजोनेट करे, जिससे जितना करे उतना लीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, बाय बाय।